नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल। दोस्तों, अगर आप सैमसंग का फोन यूज करते हो तो सैमसंग के फोन में बर्स्ट शॉट क्लिक करने के दो अलग अलग तरीके हैं। दोस्तों, बर्स्ट शॉट का मतलब होता है कंटिन्यूस शॉट, मतलब आप वन क्लिक में मल्टीपल फोटोज को क्लिक कर सकते हो। और ये कब काम आता है, जब मान लो आप किसी ऐसे इंसान की फोटो कैप्चर कर रहे हो या फिर ऐसे सीन की फोटो कैप्चर कर रहे हो जो फास्ट मूवमेंट कर रहा है और आपको किसी भी मोमेंट को मिस नहीं करना है, आपको सारे मोमेंट को कैप्चर करना है फोटोज में, तो आप बर्स्ट शॉट का यूज कर सकते हो। अगर आप सैमसंग का फोन यूज करते हो, अगर आप मिड रेंज फोन यूज कर रहे हो, तो आपको एक साथ 30 फोटो कैप्चर करने का ऑप्शन मिलता है। और अगर आप फ्लैगशिप फोन यूज कर रहे हो तो आपको यहाँ पे एक साथ 100 फोटोज को कैप्चर करने का ऑप्शन मिलता है, मतलब आप एक साथ कंटिन्यूस शॉट कर सकते हो 30 या फिर 100। दोस्तों, बर्स्ट शॉट को क्लिक करने के लिए आपको कैमरा ऐप को ओपन करना है। फिर आपको यहाँ पे फोटो मोड में ये जो शटर बटन दिखाई दे रहा है, आपको इस पे स्वाइप डाउन एंड होल्ड करना है। स्वाइप डाउन करके होल्ड करके रखना है, आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से। तो मैंने होल्ड करके रखा है स्वाइप डाउन करके, और आप यहाँ पे फोटोज का नंबर देख सकते हो, यहाँ पे 100 फोटोज क्लिक हो जाएगी। तो इसे कहते हैं बर्स्ट शॉट, और आप इस तरीके से बर्स्ट शॉट कैप्चर कर सकते हो एक क्लिक में 100 फोटोज, काफी फास्ट में यहाँ पे जो फोटोज है कैप्चर हो चुके हैं। अगर आप इसे ओपन करोगे यहाँ पे इस फोटोज को, तो आपको यहाँ पे एक ही फोटो दिखाई देगी। लेकिन अगर आपको बर्स्ट शॉट देखने हुए सारे फोटोज 100 फोटोज, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको यहाँ पे 100 लिखा होगा, आपको उस पर टैप करना है, और ये है आपके 100 फोटोज। और इसमें से आपको जो अच्छा लगता है आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे बेस्ट शॉट का यहाँ पे अवार्ड देना है उसे, मतलब आपको उसे साइन देना है कि ये बेस्ट शॉट है। आप इस तरीके से जो अपने बेस्ट शॉट है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखोगे आप आपका बेस्ट शॉट कौन सा है, तो यहाँ पे आपको उसका साइन दिखाई देगा। आप यहाँ पे देख सकते हो इसका साइन यहाँ पे है, और यहाँ पे आप किसी भी फोटो को सिलेक्ट करके शेयर कर सकते हो, या फिर आप सेव करोगे तो गैलरी में डायरेक्ट ये फोटो सेव हो जाएगी। तो इस तरीके से आप बर्स्ट शॉट क्लिक करने पर आपको कौन सी फोटो रखनी है, कौन सी फोटो को आपको डिलीट करनी है, आप यहाँ से कर सकते हो। दोस्तों, अगर ये तरीका आपके फोन में काम नहीं कर रहा है, स्वाइप डाउन होल्ड करके बर्स्ट शॉट क्लिक नहीं हो रहे हैं, तो आपको जाना है सेटिंग्स में। फिर आपको यहाँ पे जाना है स्वाइप शटर बटन टू, ऐसा होगा ऑप्शन, आपको उस पर टैप करना है और यहाँ पे सिलेक्ट करना है टेक बस शॉट। दोस्तों, आप वॉल्यूम डाउन या फिर वॉल्यूम अप बटन पे प्रेस करके भी जो बस शॉट है वो क्लिक कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे किसी भी बटन पे, फिर चाहे वॉल्यूम अप हो या फिर वॉल्यूम डाउन, आपको प्रेस करके रखना है। तो मैं यहाँ पे वॉल्यूम अप पे प्रेस करके रखूंगा। आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आप देखना बस शॉट यहाँ पे क्लिक हो जाएंगी, आपको यहाँ पे नंबर दिखाई दे रहा है, मैंने यहाँ पे वॉल्यूम अप बटन को प्रेस करके रखा हुआ है। तो आप इस तरीके से भी बर्स्ट शॉट को कैप्चर कर सकते हो वॉल्यूम बटन का यूज करके। और जैसे मैंने आपको बताया, आप यहाँ पे जाके फिर इन फोटोज को देख सकते हो आपके बर्स्ट शॉट को। अगर आपके फोन में ये जो फीचर है वॉल्यूम बटन वाला काम नहीं कर रहा है, तो आपको जाना है सेटिंग्स में, फिर आपको यहाँ पे जाना है शूटिंग मेथड्स में, और यहाँ पे आपको प्रेस वॉल्यूम कीज टू, इस पर टैप करना है, और आपको यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन टेक पिक्चर और रिकॉर्ड वीडियो, इसे ही सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों, आप इन दो तरीकों से अपने सैमसंग के फोन में बर्स्ट शॉट क्लिक कर सकते हो। दोस्तों, ये था इस वीडियो में। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर ईमेल में मैसेज भी कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।